के बैनर तले आज बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग करनाल के लघु सचिवालय प्रदर्शन करते पहुंचे। राजपूत सभा के प्रधान कर्नल देवेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों महाराजा मेलभोज प्रतिघात और राजा नंदपाल सिंह तोमर को गुर्जर समाज द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण कर गुर्जर राजा घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह महापुरुष पूरे देश के लिए अपना योगदान देते रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार जातिवादी का जहर पिलाते हुए केंद्र सरकार में मंत्री व हरियाणा सरकार में मंत्री ऐसे कार्यक्रम में जाकर जातिवाद का जहर फैलाने का कार्य करते हैं, जिसका राजपूत सभा जोरदार विरोध करती है। उसी सिलसिले में आज करनाल के लघु सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। जाति पाति के नाम पर किसी प्रकार का झगड़ा ना पनप सके, इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए उनकी मांगों पर गौर किया जाए। उन्होंने कहा, अगर उनकी बात पर गौर नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। इस मौके पर तहसीलदार के माध्यम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर बड़ी संख्या में राजपूत सभा के सदस्य व पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। अध्यक्ष हूँ राजपूत सभा का और यहाँ का संरक्षक हूँ राजपूत सभा का। हमने ये जो आज का जो मुद्दा है वो मेनली दो चीजों पर है, एक तो महाराजा मेहरभोज प्रतिहार और राजा नंगपाल सिंह तोमर, उनको गुर्जर सम्राट ने गुर्जर बता करके उनकी मूर्तियों का अनावरण करने की कोशिश की। वो अनंगपाल गांव में, अनंगपुर गांव में, फरीदाबाद में इनकी मूर्तियों का अनावरण करने की, उनकी मूर्तियों का अनावरण करने की वो सोच रहे हैं, जिसमें कृष्ण पाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं और कंवर पाल गुर्जर जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री। मैं कहता हूँ कि इन लोगों को जो शिक्षा मंत्री है उसको इतनी अकल होनी चाहिए, इनको तथ्यों पर आधारित, उनको सबको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कोई तथ्य नहीं है कि वो गुर्जर सम्राट नहीं थे। अभी 25 फरवरी 2021 को जो सरकार के केंद्रीय सरकार के मंत्री हैं उनके नेतृत्व में अनंगपाल जी पर एक सेमिनार हुआ, जिसमें कहा गया कि भाई अनंगपाल जी ने दिल्ली को बसाया, और उसमें 29 हेड्स ने, जिसमें के यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, और 29 जो वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे उसमें शामिल थे, और उन्होंने कहा कि वो राजपूत सम्राट थे अनंगपाल। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि दो मंत्री हैं जब उन्होंने ऐसे कहा? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि ये एक वोट की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, अपने वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए उनको एक मुद्दा चाहिए और इसी कुछ हरकत करके और वोट बैंक को साधना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भाजपा को बनाने में, सरकार को बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा, और हम 36 राज्यों में फैले हुए हैं, ये थोड़ी सी वोट की राजनीति के लिए पूरे समाज को जो है अपने खिलाफ कर रहे हैं, इसके लिए उनके लिए नतीजा अच्छा नहीं हो। आप प्रदर्शन करते यहाँ पहुँचे आगे की? नहीं, यहाँ हम प्रदर्शन करके पहुँचे हैं और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस पर कोई अमल नहीं होता। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि यमुनानगर में भी मूर्ति जो है वो लगी है, हमने उनको कहा, एक तो हमारी मांग ये है कि जो ये मूर्तियाँ लगी हैं इसमें गुर्जर शब्द को हटा दिया जाए और उसके बाद इन मूर्तियों को स्थापित किया जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। दूसरी बात, इतिहासकारों की एक कमेटी बनाई जाए और वो तथ्यों के आधार पर ये निर्धारित करें कि राजपूत सम्राट है या गुर्जर सम्राट है, और जब तक उसका फैसला नहीं होता ऐसी किसी भी आयोजन पर बैन होना चाहिए। ज्ञापन रोकने के लिए प्रदर्शन, ज्ञापन देने के लिए हमारे समाज के पूरे लोग आज यहाँ पर हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ये सारे के सारे यहाँ पर ज्ञापन, आज हमने प्राइम मिनिस्टर के नाम, चीफ मिनिस्टर के नाम और गवर्नर के नाम जो है ज्ञापन हम दे रहे हैं। तो ये जो है, और परसों यमुनानगर प्रदर्शन साथ में, यमुनानगर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम कर रहे हैं, जहाँ पर के वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने मूर्ति का अनावरण किया था, वहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन हम 7 तारीख को करेंगे, और हम चाहते हैं कि जल्दी इसका संज्ञान लिया जाए, इससे पहले कि ये पूरे देश में आग की तरह आगे चिंगारी ये बढ़े और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन
अगर सरकार ने कोई संज्ञान लेते हुए कोई सुधार नहीं किया तो हम उससे आगे अब पीछे नहीं। किस बैनर तले आज गुजर समाज आ रहे हैं भैया, गुजर ना करें, वो ना करें, कर लो, प्रतिमा लगाओ, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ क्या है कि ये आज इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ है वो गलत है। तो क्या मानते हैं सरकार जो है जातिगत राजनीति कर रही है? बिल्कुल कर रही है जी। अगर आप एक बात बताइए, जैसे कि अपने जमुनानगर में हुआ था आज से 2-3 महीने काफी टाइम पहले, वहाँ भी यही होया था, ये मुद्दा उठा था और उन्होंने कहा था गुज्जर समाज ने, और हमारे जो शिक्षा मंत्री रहने सरकार के वो वहाँ चीफ गेस्ट थे, ये मुद्दा उसी टाइम बंद कर देना चाहिए था। और ये नहीं कहना था कि ये गुज्जर सम्राट है, ये हिंदू सम्राट है, कर लो, सब कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सम्राट एक बिरादरी का नहीं होता, सबका होता है। तो क्या मानते हैं शिक्षा मंत्री को समझ नहीं है? शिक्षा मंत्री एक और भी शिक्षा मंत्री समझ होती तो वो उसी दिन हो जाता। आज ये फरीदाबाद में होगा, कल ये गुड़गांव में होगा, परसों ये दिल्ली में होगा, ये पूरे भारत में आग फैल जाएगी। और राजनीति कर लो, करते आए हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन इस बिरादरी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।